प्लायर्स ओके। ओ ओ भाई यू तू कौन है भाई? ओ माई गॉड भाई ये सब क्या है? ओ अरे बाप रे बाप भाई। हे गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो गेम खेलने वाले हैं भाई ये काफी ज्यादा डरावनी गेम है, ठीक है। तो अगर आप लोग डरपोक हो थोड़े बहुत भी तो इस वीडियो को मत देखना, ठीक है, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा डरावनी, बहुत खतरनाक जंप स्केयर्स है इस गेम के अंदर। एंड मैंने इसको बहुत पहले एक साल पहले आई थिंक मैंने इसको खेला था, तो भाई उस वक्त मेरी बहुत फटी थी। लेकिन आज मैं दोबारा इस गेम को ट्राई करने वाला हूँ एंड मैं टोटली भूल चुका हूँ कि गेम के अंदर करना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको तीन मोड मिलते हैं रिलैक्स गोस्ट एंड बेबी का, ठीक है, तो हम लोग बेबी पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो एडल्ट एंड नाइटमेयर तो ये तो मतलब कि लॉक्ड है, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस पेनीवाइज के घर के अंदर एंड यहाँ पर आते हमको एक मैप मिल जाता है, तो इस मैप को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर भाई लिखा हुआ है फाइंड फ्यूज इन द किचन टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को हमको वापस लाना होगा जिसके लिए हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा फ्यूज, ठीक है। तो चलते हैं एंड ये किचन कहाँ पे मिलेगा भाई, एक मिनट देखते हैं भाई। ये किचन है, ओ यस यही किचन है। ओके यहाँ पर देखते हैं रेफर। ओ भाई क्या है ये? अबे किसकी मुंडी रख रखी है इस जोकर के बच्चे ने? लगता है इसकी बीबी की मुंडी है ये। ओके मेरे को फ्यूज तो मिल गया गाइस, ये चलो इसके अंदर लगाते हैं। ओके तो ओए यहाँ पर है ये क्या है? आई नीड टू फाइंड सम फूड टू कैच द रैट। ओके मेरे को इसके लिए खाना चाहिए होगा इस चूहे को पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पर और चीज देख लेते हैं ड्रॉर्स वगैरह में, और मेरे को डर लग रहा है भाई पेनीवाइज की आना जाए वो हाथों में एक हाथों। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है नाइफ, ओ यस हमको नाइफ मिल गया। फाइंड द फर्स्ट एड, ओके तो हमको फर्स्ट एड भी ढूंढनी पड़ेगी। एंड ये फर्स्ट एड कहाँ मिलेगी भाई हमको? हेलो कोई तो आ रहा है। ओ यार भाई कोई तो आ रहा है, मेरे को उस पेनीवाइज की जूतों की आवाज़ आ रही है। पता नहीं कौन सी कंपनी के बूट्स पहने जो तेज आवाज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है कम से कम मेरे को पता चल रहा है भाई वो आसपास है। अगर वो आ गया ना भाई, सही बता रहा हूँ मैं, उसको ना इसी चाकू से मार दूंगा। मर जाएगा वैसे उस चाकू से, पता नहीं ये डोर कैसा है, बेसमेंट डोर। ओ हाँ इसके अंदर ना दो चैप्टर्स हैं, एक तो ये है हाउस वाला एंड एक है बेसमेंट वाला। तो हमको बेसमेंट में के लिए उसकी की चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इस डोर के पीछे क्या है। ओके इस डोर के पीछे क्या है? ओ माय गॉड ये सब क्या चल रहा है भाई? हेलो सर, मकड़ी तो आपकी बैंड बजा रहा है। ओके इसकी हमने बैंड बजा दी, अरे वाह इसकी हमने बैंड बजा दी। ओके सर क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ है? ही लॉस्ट टू मच ब्लड, आई नीड टू फाइंड फर्स्ट एड बॉक्स। ओके तो फर्स्ट एड बॉक्स पहले चाहिए हमको को ताकि हम लोग ना इसको ठीक कर सके पुलिस वाले को, और ये हमको पक्का कुछ ना कुछ देगा फिर बदले में। ऑब्वियसली भाई उसकी जान बचा रहा हूँ, आके फ्री फंड में थोड़ा करूँगा ये काम। जोकर सर कहाँ पे हो आप? आपको सर्कस में होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो घर के अंदर हैं? ओके तो गाइस मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया, चलो तो अच्छी बात है। एंड ये रूम जो है दिस डोर में नीड्स अ पासवर्ड ओपन। ओके तो पासवर्ड चाहिए इसके लिए। ओके चलेगा अभी लेके आता हूँ मैं। उस पुलिस वाले को फर्स्ट एड देना पड़ेगा। लो सर फर्स्ट एड ले लो, ये लो फर्स्ट एड। एंड ओ मेरे को लाइब्रेरी की दे रहा है ये बंदा। ओके तो हमको थैंक्स कह रहा है, लेकिन हमको इसका थैंक्स नहीं चाहिए, हमको की चाहिए, ठीक है। ओके तो भाई साहब हमको की दे दो एंड अब मैं जा रहा हूँ इधर से, और आप यहीं पे रहने वाले हो। ओके तो भाई मेरे को ये लाइब्रेरी की भी मिल चुकी है, लेकिन अब हमको क्या करना है? फाइंड द फिल्म टेप। ओके तो हमको यहाँ पर फिल्म टेप ढूंढनी है। ओके देखते हैं भाई कहाँ मिलेगी। पहले तो मेरे को लाइब्रेरी ढूंढनी है क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी की है एंड ये पक्का लाइब्रेरी में ही लगेगी। एंड आई थिंक मैंने लाइब्रेरी को ढूंढ निकाला, यस यही है लाइब्रेरी। आई नीड टू फाइंड द फिल्म। ओके तो हमको यहाँ पर फिल्म चाहिए। मेरे को क्या मिल गया? ये है मैच बॉक्स। ओके और यहाँ पर एक और चीज़ रखी हुई है क्रोबार। ओके चलो तो भाई मेरे को ये क्रोबार भी मिल गया एंड इस क्रोबार से उसके दांत तोड़ूंगा पेनीवाइज के। भाई इस गेम के अंदर ना पजल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सच बता रहा हूँ। माय गॉड पेनीवाइज देख लिया इसने मेरे को देख लिया, इस भद्दे जोकर ने देख लिया मेरे को एंड ये मेरे पीछे पड़ चुका है। अब भागो। एक मिनट, भाग तो सकता ही नहीं है, मैं भी नहीं भाग सकता। सर आप हमको पकड़ नहीं सकते। ओके यहाँ पर ये डोर भी है, ये डोर जो लॉक्ड है। आई नीड फाइंड अ की, तो इसके लिए भी हमको की चाहिए होगी। ओके ओके एक और रूम मिल गया फ्रेंड्स, एंड देखने से तो सही लग रहा है, मतलब इस यहाँ पर आई थिंक मेरे को कुछ मिल सकता है। देखते हैं ड्रॉर्स के अंदर क्या मिलेगा। ओके कुछ भी नहीं है, तो भाई फिल्म टेप दे दो यार मेरे को। ओके भाई ये नहीं, मिल गई मेरे को फिल्म टेप मिल गई। एंड यहाँ पर ये ब्लड जा रहा है जो कि मेरे को हिंट दे रहा है कि इसके पीछे पक्का कुछ ना कुछ है, और अगर हम लोग कैंडल्स को जलाएंगे तो ये पक्का ऐसे हटेगा। ओके देखा मैंने कहा था इसके पीछे कोई सीक्रेट एंट्रेंस है, तो यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा। ओके तो मेरे को फिलहाल यहाँ पे जो है टेप मिल चुकी है फिल्म टेप, एंड इसको लाइब्रेरी में जाके लगाना है ताकि हमको वहाँ से पासवर्ड मिल सके। बट सामने से भद्दी शक्ल का जोकर आ रहा है। हेलो जोकर सर, क्या आप इधर क्यों आ रहे हो? आप जाओ ना इधर से, इधर क्या मिलेगा आपको? आप क्यों इधर आ रहे हो?
आप जाओ सर्कस वगैरह में काम करो, पैसे वैसे कमाओ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। आई थिंक कि मेरे को ना ये प्लैंक्स जो है इस क्रोबार से खोल देने हैं, तो मैं इसको खोलता हुआ चलता हूँ ठीक है आगे। एंड फिल्म हाथों में ले लेते हैं भाई, उस फिल्म को लगाना है हमको। ओके तो गाइस अब हम लोग लाइब्रेरी में वापस आ चुके हैं, प्रोजेक्टर में लगाते हैं एंड हमको यहाँ से कोड मिल गया, वो रहा ऊपर 6638। ओके तो ये कोड है 6638, फाइंड द पासवर्ड टू ओपन द डोर ऑन सेकंड फ्लोर। ओके मेरे को पता है वो डोर का, तो चलते हैं हम लोग ठीक है। ओके तो गाइस इस रूम के अंदर हम लोग आ गए हैं एंड ये जो रूम है अभी मैंने ओपन किया था क्रोबार से वही है। तो यहाँ पर कोई रो रहा है बुरी तरीके से एंड ओ माय गॉड भाई ये सब क्या है। ओरे बाप रे बाप भाई भाई बहुत डरावना मंजर है भाई ये तो। ओके स्कैंडल्स को लाइट्स अप करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमको इस बाउल के अंदर ये रखना है ठीक है, तो हमको इसमें रखने के लिए वो चूहा चाहिए होगा जिसको कि हमको पहले मारना पड़ेगा जहर खिलाकर। भाई कितना डरावना है यार ये सब। चलो चलते हैं बाहर एंड आई होप कि पेनीवाइज ना आए इधर। ओके पेनीवाइज वो रहा। ओके तो अभी हमको वो कोड ऊपर लगा के आना है। पेनीवाइज सर आप हो तो नहीं ना इधर। ओके बंदा इधर नहीं है और आई होप कि वो ऊपर भी ना हो। चलो तो भाई हम लोग ऊपर आ गए तो गए हैं एंड कोड को डालना है यहाँ पर। ओके वैसे वो बंदा ना आए। 6638 एंटर एंड ये खुल गया हमारा कोड। ओके अबे क्या हो गया मैं बाहर कैसे आ गया। ओके तो हमारा ये खुल चुका है एंड ये अपने आप ही लॉक्ड हो रहा है एंड ये हार्ट बीट की आवाज़ें आ रही है बहुत डरावनी डरावनी। मेरे को डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है मेरे को डर लग रहा है। ओके यहाँ पर कुछ रखा हुआ है प्लायर्स। ओके ओ भाई यू तू कौन है भाई। सीजर उठा लो भाई कहीं से मेरे को मार दे। हेलो सर आपके सर में कीले क्यों घुसी हुई हैं, आप क्यों उनके रिश्तेदार हो पेनीवाइज के। ओके टीवी में कुछ तो देख रहा है। ओके ओ ये लड़की कौन है। तो इस पॉइजन ओके भाई ये रहा पिल्स। ओके तो ये पॉइजन वाली जो पिल्स है वो ही मिल चुकी है। फाइंड द सेव बेवरली। ओ यार एक मिनट ओ माय गॉड काफ़ी डरम डरम आवाज़ है इस पेंटिंग के पीछे कुछ तो आएगा। इस सेफ मिला। ओके तो इस पेंटिंग के पीछे सेफ है एंड यहाँ से आगे मेरे को थोड़ा बहुत गेम का मालूम है, मैंने बहुत पहले खेली थी एंड जब मैं वापस इस डोर को ओपन करूँगा तो मेरे को भाई मिलने वाली है एक न्यू एंट्रेंस, मतलब एक न्यू जगह न्यू प्लेस मिलने वाला है जो कि अभी हम लोग आए थे तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके तो यहाँ पर जो है काफ़ी डरावनी चीज़ अब हमारे साथ होने वाली है। पहले देखते हैं भाई यहाँ पे ये कुछ पड़ा हुआ है। ओके आई थिंक ये एक्स है। चलो तो भाई हमको एक्स मिल चुका है एंड उठा लेते हैं इसको। ओके एक्स भी आ चुके हमारे हाथों में एंड चलते हैं भाई ये सीजर्स लेके क्योंकि हमको ये मिलने वाला है। ओ माय गॉड डरा दिया, मेरे को पता था यहाँ पर ये डेड बॉडी होंगी लेकिन फिर भी मैं डर गया। ओके तो इसको गेरते हैं डेड बॉडी इसको, ये डेड बॉडी इसको ज़्यादा हिल रही हैं। पेनीवाइज ने देखो कितने लोगों को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है। बस करो भाई कितना सस्पेंस वाले म्यूजिक बजाओगे, मेरी मुझे डर लग रहा है। फोर ये क्या लिखा हुआ है 4 5। ओके 5 एंड यहाँ पर 4 8 4 5 4 8। ओके हमको कोड मालूम पड़ गया 4 5 4 8। भाई इतने सारे ड्रॉर्स। ओ माय गॉड ओ बस करो भाई कैसे करोगे। ओके 4 5 4 8 हमारा कोड है, तो इस कोड को हमें सामने कहीं डालना है। ओके इस जगह पे डालना है एंड इसे डाल के हम लोग आई थिंक बाहर जा सकते हैं। चलो इसमें कोड डालते हैं 4 5 4 8 एंड एंटर करूंगा तो ये डोर ओपन होगा लेकिन बाहर मेरे को उसकी आवाज़ें आ रही जूतों की। तो हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया। ओके तो गाइस अब हम लोग एक काम करते हैं कि चलते हैं इस बाथरूम के अंदर एंड यहाँ से मेरे को पजल थोड़ी बहुत मालूम है। अब मेरे को ना यहाँ पर करना क्या है कि ये जो कबोर्ड है ना कम्बोर्ड इसके अंदर यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, वो बैटरी पड़ी हुई है लेकिन हमको बैटरी नहीं चाहिए, हमको बेसिकली इसको ठीक करना है। ओके क्योंकि इसके पीछे मिलने वाली है ये दीदी जी जो कि यहाँ पर बहुत ही गंभीर हालत में है, तो इनको बचाते हैं पहले तो एंड ये हमको कुछ देंगी पक्का। ओके तो फाइंड द मीट लिखा हुआ है एंड मीट मेरे सामने पड़ा है तो इस मीट को उठा लेते हैं एंड वापस से पेनीवाइज बाहर घूम रहा है। भाई बाहर इसके चलने की इतनी गंदी आवाज़ आ रही है ना तो मेरे को डर लग रहा है। ये लड़की गायब कहाँ होगी भाई, ये यहाँ से अपने आप ही चलेगी। मैं पेनीवाइज को मारेगा नहीं, मतलब हमको तो मारता वो इसको कुछ नहीं कहेगा, मतलब ऐसे भी होता है यार। चलो तो हम उस चूहे को पकड़ सकते हैं। चलो तो गाइस अब हम लोग किचन ढूंढते हैं वापस एंड किचन के अंदर उस चूहे को हम लोग पकड़ते हैं। सामने से आ रहा है भाई ये भद्दी सी शक्ल का पेनीवाइज, मैं सही बता रहा हूँ ये पेनीवाइज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मेरे को तो खैर क्या किसी को भी पसंद नहीं आई थिंक। ओके ये रूम हमको ध्यान रखना है, इस रूम के अंदर हमको उस चूहे को डालना होगा। ओके तो गाइस इससे पहले कि पेनीवाइज आए इधर फटाफट से इसको इसमें डालो एंड मेरे को यहाँ पर डर लग रहा है पेनीवाइज क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आ जाता है, तो इसलिए फटाफट से खा ली चूहे, फटाफट से खा और जल्दी से मर जा जल्दी से मर जा जल्दी से मर जा। ओके भाई मर गया ये बंदा, मतलब ये चूहा मर चुका है
एंड पेनीवाइज आए से पहले निकल लो इधर से, एंड हमको जाना है उस रूम के अंदर जहाँ पर वो काफी सारे हाथ बाहर निकल रखे थे ना, वो डरावना सा रूम जो है उसके अंदर जाना है। और यहाँ पर हम लोग बाउल में इसको डालते हैं एंड अब मेरे को यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। ओके गाइस, हमको ये मिला है, ये कौन सी की है आई डोंट नो, लेकिन हमको कोई की मिल चुकी है एंड इस की को देखते हैं, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी की। एंड आई थिंक ये की ना इस रूम की होने वाली है, ये यहाँ पर एक रूम है एंड हाँ भाई ये की इसी रूम की है। ओके तो ओ भाई साहब, हेलो सर, हेलो अंकल जी, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको बचाने आया हूँ इधर। ओके क्या करना है हमको, यहाँ पर मिसिंग लीवर है, लीवर लेके आना है। हैमर मिल गया भाई, ओ यस, एंड साव भी मिल गई। ये हैमर से हम लोग ना पक्का उस ईंटों को तोड़ सकते हैं जो कि उस रूम में थी है ना, वो जो सीक्रेट प्लेस था ना वहाँ पर, उसको ओपन कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं। तो वो पेनीवाइज तो भाई बाहर ही घूम रहा है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हथौड़े को निकाल लेता हूँ। एंड यार इसके जूतों की आवाज़ जब आ रही है ना भाई, मेरे को डर लग रहा है। इसको तोड़ते हैं एंड चलते हैं इसके अंदर, एंड वो इधर तो नहीं आ सकता। तो यहाँ से लीवर तो मिल गया, ओके, और देखते हैं पर कुछ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। यार फाइंड द मीट क्यों लिखा हुआ है भाई, मैंने ऑलरेडी मीट का काम निपटा दिया है भाई, अब मुझे मीट किसके लिए चाहिए, मुझे खाना है क्या मीट वो। हेलो अंकल जी, मैं आ गया वापस आपको बचाने के लिए। चलो तो आपकी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है, मेरे को मालूम है, इसलिए लीवर लगाते हैं हम लोग। एंड और सुनाओ सर, क्या हालचाल है, क्या आपको ये भी खोलना पड़ेगा क्या हमको, इतना काम तो भाई तू खुद कर लिया कर यार, मुझे कोई खोलना पड़ेगा मेटल, मेरे को काटना पड़ेगा। तो ये बंदा मेरे को आई थिंक पासकोड दे रहा है, अब ये पासकोड कहाँ लगेगा भाई पता नहीं, लेकिन चलते हैं कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। चलो चलते हैं। ओ नो 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 नो, भाई बंदा बाहर क्या कर रहा है, अबे इसको कोई पागल खाने बंद करवाओ भाई, ये बंदा यार खुला छोड़ रखा है तुमने घर के अंदर। एंड ये पासकोड आई थिंक मेरे को लगेगा वो सेफ के अंदर, हाँ ये पासकोड पक्का उसी सेफ का हो सकता है, एंड उस सेफ के अंदर से मेरे को आई थिंक बेसमेंट की मिलने वाली है। तो यानी कि हम लोग एस्केप करने वाले हैं इस गेम को, फटाफट से ऊपर भाग लेते हैं। पेनीवाइज तो पता नहीं कहाँ मर रहा है, हम लोग अपना काम निपटाते हैं, फटाफट चलते हैं। और छोटू कैसा है तू, ठीक है, देख मेरे हाथ में क्या है पासकोड, अब मैं इसको इस सेफ के अंदर लगाने वाला हूँ। एंड यहाँ से मेरे को मिलने वाली गन, ओ यस ओ यस, और ये बेसमेंट की भी मिल गई भाई, चलो काम बन गया हमारा। अब हम लोग पेनीवाइज की तो बैंड बजाएंगे, उसी के साथ हमको बेसमेंट की मिल चुकी है, तो यहाँ से स्केप भी कर लेंगे। तो अब पेनीवाइज को ढूंढना पड़ेगा, हम लोग बाहर तो आ चुके हैं, नीचे चलते हैं एंड पेनीवाइज सर को ढूंढते हैं, कहाँ पे है हमारा पेनीवाइज सर। अब मेरे हाथ में गन है ना, तो अब मेरे को दिखेगा नहीं आसानी से। हेलो सर, हेलो, गोली खाओ, ज़्यादा नहीं हंसने का, इतना हंसोगे ना तो पागल हो जाओगे, समझ गए ना। चलो तो भाई पेनीवाइज की बच चुकी है बैंड, एंड अब हम लोग निकलते हैं इधर से, बेसमेंट ढूंढते हैं पहले तो बेसमेंट कहाँ पे है। ओके तो गाइस हमको बेसमेंट भी मिल चुका है, एंड चलते हैं इधर से नीचे, स्टोर को लगाते हैं एंड निकलो भाई इधर से। ओके यस, फाइनली वी आर एस्केप। तो गाइस यहाँ पर चैप्टर 2 डेमो, ओके तो इसका चैप्टर 2 भी, वो भी हम लोग खेलेंगे फिर किसी दिन। तो आप लोग कमेंट करना अगर आपको चाहिए चैप्टर 2 भी। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करने का, चैनल को करने का सब्सक्राइब, एंड हम लोग वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।